नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिजिक्स, जी हाँ दोस्तों, भौतिक की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं और अपने सुझाव अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, कमेंट करें और अगर आप कुछ प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है मेल भी कर सकते हैं। आखिरी प्रोग्राम के आखिरी में जो ईमेल आईडी फ्लैश होगा तो आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप जो है लिख सकते हैं। जो दोस्त, भाई बहन, बंधु मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ध्यान से आखिरी तक सुनिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जब हम स्कूल के ज़माने में थे तब हम इस बात को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से हमने बात की है तो उन्होंने बताया किन बातों को ध्यान में रखें कि फिजिक्स में आसानी से ज़्यादा मार्क पा सकते हैं। दोस्तों, 10वीं की परीक्षा को करियर का पथ प्रदर्शन माना जाता है। छात्र आगे साइंस स्ट्रीम चुनेंगे, कॉमर्स चुनेंगे, आर्ट्स चुनेंगे, पहले से तय कर लें, लेकिन चुनिंदा स्ट्रीम दिलाने में 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक भी काफ़ी हद तक अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से 10वीं में फिजिक्स की आप जो है तैयारी के लिए जुड़े। कुछ ऐसे टिप बताऊंगा। सबसे अहम यहाँ दोस्तों, फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही तरह के सवाल होते हैं, इसलिए इसमें छात्रों को अधिक से अधिक स्कोर करने का मौका मिलता है। इसकी तैयारी में जरूरी है कि परीक्षार्थी सबसे पहले सभी डेफिनेशन और फार्मूले एक जगह नोट कर ले। इससे आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही प्रकार के सवाल हल करने में मदद मिलेगी। ध्यान रहे, एसआई और सीजीएस यूनिट को खास तवज्जो दें। डायग्राम्स, जी हाँ दोस्तों, डायग्राम्स में खास बेहतर मार्क हासिल करने का सबसे सरल और अच्छा उपाय है डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, डायग्राम में बहुत आसानी से मार्क मिल जाते हैं। डायग्राम कैथोड, रे ट्यूब, एसी व डीसी मोटर, ब्लॉक व टैकल डायग्राम और विभिन्न प्रकार के प्रिज्म के ट्रांसफर के डायग्राम अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इनका यदि स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए और इन्हें साफ सुथरे बनाया जाए तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह फोर्स, मास व एक्सेलरेशन, रेसोनेंस, फोस्टर्ड डेप्थ व फ्री वाइब्रेशन, अलग अलग पिच व वेव फॉर्म्स, ओ एच एम के लॉ, हंटिंग व कूलिंग कर्व के ग्राफ की भी लेबल्स के साथ अच्छी तरह से तैयारी करें। दोस्तों, डेरिवेशन का अभ्यास जरूर करें। डेरिवेशन में अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स में शामिल है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ वर्टिकल थ्रोन बॉडी, सिंपल पेंडुलम एफिशिएंसी,
रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल रेफ्रिक्विट इंडेक्स और ईएमएफ ऑफ सेल। छात्रों का इनका नियमित अभ्यास करना चाहिए। अल्फा बीटा और गामा पर सिंपल न्यूमेरिकल का अभ्यास करें। अहम सवाल, किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, इससे उसे याद रखने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, सही फार्मूला और सही सब्स्टिट्यूशन आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकता है। तीसरा है डायग्राम्स की बेहतरी प्रस्तुति। जी हाँ, बेहतर प्रस्तुत करें। सही वर्णन का साफ सुथरा हैंडराइटिंग भी स्कोर दिलाने में सहायक होता है। लिख लिख कर याद करने का अभ्यास करें। जहाँ दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ याद करनी हो तो पहले से लिख लिख कर अभ्यास करें। ऐसा करने से आमतौर पर लिखा हुआ परीक्षा के दौरान आपको याद आ जाएगा। आखिरी के 10 मिनट अपनी आंसर शीट चेक करने में लगाएं, कहीं भूलवश कुछ गलत ना कर लिख लिया हो, कुछ छूट ना गया हो, ये देख लें। जरूरी है कि एसआई और सीजीएस यूनिट का जिक्र कर दें और कीवर्ड्स रेखांकित कर दें। इस चैप्टर पर फोकस जरूरी है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आईसीएसई में किसी खास सेक्शन को वेटेज नहीं होता, इसलिए सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है। प्रश्नों की भाषा समझने के लिए अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल पेपर प्रैक्टिस करें और सभी सवालों का सटीक जवाब दें। पढ़ने की शुरुआत फोर्स स्पेक्ट्रम, हाउस होल्डर सर्किट, रिफ्रेक्शन और थर्मियानिक एमिशन जैसे आसान टॉपिक से करें। इसके बाद कैलोरीमेट्री, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स और वर्क पावर एनर्जी जैसे टॉपिक्स पर मूव करें। साउंडलेस और रेडियो एक्टिविटी सबसे आखिरी में पढ़ना सही रहेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए 30 तक टेबल और 30 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूबिस और फ्रैक्शन व डेसिमल्स के बेसिक्स याद कर लेना अच्छा रहता है। पेपर का पैटर्न कैसे रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कुल चैप्टर 12 होते हैं और कुल मार्क्स 80 होते हैं। पढ़ने के लिए समय 15 मिनट, लिखने के लिए समय 120 मिनट, 10 मिनट आखिरी में पेपर जांच करने के लिए। पेपर में दो सेक्शन होते हैं, ए और बी। कोट, सभी टॉपिक्स का विस्तृत रिवीजन करना बेहद जरूरी है। हमारी सलाह है कि एक बार छात्र पिछले साल के पेपर लिखकर हल अवश्य करें। यहाँ दोस्तों, आप जो है जब भी फिजिक्स की तैयारी में जब आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो पुराने जो है 5 से 10 साल पुराने पेपर रोज जो है एक पेपर को निश्चित, जैसे अगर 3 घंटे का समय है तो ठीक 3 घंटे में ही आप उसको हल करने का प्रयास करें। खुद 1 साल का 1 दिन में करें, मसलन एक पेपर है तो उसको 1 दिन में ही करें, फिर दूसरे दिन पूरी तैयारी करें, फिर दूसरे पेपर को सॉल्व करें और इस तरह से सॉल्व करने के बाद उनको बाद में जो है चेक करवाएं किसी से। कोई अगर पहचान का सर हो तो उसे चेक करा लें या फिर खुद भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको 10 साल के जितने भी आंसर क्वेश्चन जो है जो गलत हो गए उनको ठीक कर लोगे। और इस तरह से जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क मिल जाते हैं अच्छी जो है, अगर आपको ड्राइंग बनानी आती है फिजिक्स के बारे में जो है, खाली जो है सूत्र भी लिख देते हैं तो भी मार्क्स मिल जाते हैं।
तो जो है अच्छे से जो है ग्राफिक्स करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।